कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पानी पी लो। हेलो हेलो, ऐसे करोगी तो मैं पानी ही पीता रह जाऊंगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? वही जो तुम मुझे बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? वही जो मुझे नहीं पता है। जीव! सोनाक्षी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना जो तुम्हें मुझे बताना है। मेरे यहाँ होते हुए तुम किसके बारे में सोच रही थी? कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? माँ। माँ? क्या हुआ? ऑफिस जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, वहां से मिलने। अभी? तो कब? देव, तुमने नोटिस किया है माँ ज्यादा वक्त घर से बाहर बिताती है, घर में नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माँ हमसे क्या छुपा रही है? देव, एक बार चल के देखते हैं। सोनाक्षी, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ अभी जाएंगे तो माँ जिस रीजन से ये सब कुछ कर रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब तुम जानते हो माँ क्यों कर रही है ये? माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरा गेस है कि। बताओ क्या है? सोनाक्षी, माँ नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसीलिए वो हमसे दूर रहना चाहती है। शायद ये सिर्फ तुम्हारा गेस हो और बात कुछ और हो। कौन सोनाक्षी, तुम भी समझती हो। माँ नहीं चाहती कि जो गलतियाँ उसने पिछली बार की उन्हें दोहराए, इसीलिए वो हमें वक्त दे रही है। देव, हमारे साथ होने का क्या मतलब है अगर माँ ही हमसे दूर रहना चाहती है? तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। माँ को पता नहीं है क्योंकि सब बदल चुका है। मैं माँ से बात करूंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी। और इस बारे में उनसे बहुत गुस्सा, उन्हें बहुत डांटूंगी मैं। उन्हें यहाँ होना चाहिए, अपने घर में हमारे साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारे साथ, मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ सोनाक्षी कि माँ घर पे रहे, आराम करे, बच्चों के साथ खेले। वो घर पे क्यों नहीं रहती? बाहर क्यों जाती है? उसने बहुत मेहनत कर ली, अब उसे आराम करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस ईश्वरी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ आशा जी। अगर मैं होती ना तो ऐसे दफ्तर में जाने का सोचती भी नहीं। सच। अरे दोस्तों का तो काम ही होता है दोस्तों को सपोर्ट करना। आपने कदम बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, मैं तो सिर्फ आपके पीछे खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपको जिस नई शुरुआत की तलाश थी वो आपको मिल गई। नई शुरुआत, ये सुनकर ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आशा जी। ये सुनकर ही मुझे डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। हम इसी बात से डरते हैं और अपने डर से लड़े बिना ही हार मान लेते हैं। फिर उस हार का गुस्सा हम अपनों पर निकालते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने हमारी पुरानी बातों की कब तक वाह-वाह करते रहेंगे। पता नहीं, मैं कल जो करने जा रही हूँ उससे मेरे अपने मेरी वाह-वाह ही करेंगे, ये डांटेंगे। और एक अच्छी चीज होगी, मैं कल से काम करने लगूंगी, पैसे कमाने लगूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। शुरुआत छोटी है पर बदलाव बहुत बड़ा है। वैसे आपके काम करने से एक और अच्छी चीज होगी ये कि जब आप काम पे होंगी तो आपके घर वाले आपको ज्यादा मिस करेंगे। फिर शाम को जब आप थकार के घर आएंगी तो सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। उससे भी बेहतर चीज होगी, मैं काम पर जाऊंगी तो घर में सोनाक्षी और देव के बीच बीच तो नहीं आती रहूंगी, वरना उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। उन दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त तो मिलेगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उन्हें भी आपके साथ वक्त बिताने में उतना ही मजा आता है जितना आपको। जानती हूँ आशा जी, उन्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे उनकी, पर उससे भी ज्यादा जरूरत उन्हें एक दूसरे के साथ की है। जितना वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना बेहतर समझेंगे एक दूसरे को। ये उनका वक्त है, मेरा नहीं। सर, आप हमको बताएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। अरे हम ढूंढ के लाके देंगे ना आपको। क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? इतना टाइम हो गया, मूवी नहीं देखी कोई। इस हफ्ता पक्का जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? मुझे मेरा काम करने दोगे? उधर खड़े रहो चुपचाप। बाबा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बेटा बस। अरे भाई साहब आप कब आए? बस अभी है, अभी 5 मिनट पहले बस आया मैं। ओह, और ये आपके हाथ में किताबें किसकी? ये आशा की किताबें हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या कि आशा को इन सब पे साइन करना है, तो मैंने कहा कि ये साइन करवा के और फिर वापस दे जाऊंगा यहाँ किताबें। ये लो, आप अगर पहले बताते तो अपनी कॉपी भी मैं आपके साथ भेज देता उसमें साइन करने के लिए। हाँ, वो दे दीजिए, वो उस पर भी साइन करवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो रात में ईश्वरी ने मुझसे वो कॉपी ले ली थी। ईश्वरी जी ने पढ़ ली? आप प्लीज उनसे मंगवाइए ना जल्दी से, मैं लेके जाता हूँ अभी। बाबा साइन ही करवाना है ना, बाद में करवा लेते। नहीं नहीं बेटा, अब आया हूँ तो फिर साथ में लेके जाता हूँ। किताब की बातें बाद में कर लीजिएगा, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ भाई, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग स्टार्ट कीजिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है भाई। मोगैम्बो को क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? शट अप, चलो। आशा फोन उठाओ, आशा जल्दी। आप देखिएगा, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि मेरे घर वालों को भी मुझ पर गर्व हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर वालों को हुआ, हम सबको हुआ। चले? क्या हुआ? एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मेरी किताब की और कोई फाइनल कॉपी नहीं आनी है, जो भी छपना था वो छप चुका है, यही फाइनल वर्जन है। मुझे पता है, एलिरा ने मुझे सब कुछ बताया है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मैंने आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी किताब पढ़ें। मेरी किताब हम सब की कहानी पर ही बेस्ड है। शायद गुस्से में मैंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था, मुझे लग रहा था कि आपने जो भी लिखा है वो सच लिखा है आशा जी, और अब मैंने सच से भागना छोड़ दिया है। आपकी किताब मेरी गलतियों का आईना है और ये गलतियाँ मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। पता नहीं मैं किन शब्दों में कहूँ, पर मैंने जो भी लिखा था वो तब सच था। आशा जी, आपने मेरे बारे में क्या लिखा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे बारे में तब क्या सोचती थी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे बारे में क्या सोचती है। आपने मुझे माफ कर दिया है आशा जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चले, वरना बैठे बैठे और एक किताब लिखनी पड़ेगी आपको। वैसे वो मेरी बार बार बेहोश होने वाली बात थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा नहीं थी, उन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही चक्कर आते थे। हाँ, तो ये गलती मेरे न्यूट्रिशन की है ना, उसी ने नहीं ध्यान रखा मेरा ठीक से। बिल्कुल, तो आप उसे कह देती ना। आज मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। कैसे हराओगे गोलू? गन पावर। देखते हैं कौन किसे हराएगा। भाभी, थैंक यू सो मच, आज आपने अपने ऑफिस की छुट्टी ली हमारी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं खुद तुमसे और आरोही से मिलना चाहती थी। That's so sweet. लेकिन क्या है ना, अभी आपको मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। As you can see कि आरू तो बिजी हो गई अपने भाई बहन के साथ। वैसे भाभी, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आरू को ना उसके भाई बहन मिल गए, अब वो अकेली नहीं है और उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे तुम देव के साथ हमेशा रहोगे, वैसे जब भी टाइम मिला करे ना यहाँ पे आया कर। हाँ भाभी, आरू के साथ साथ ना अब मेरा भी मन यहाँ आए बिना लगता नहीं है। भाभी, आपकी निकी से कुछ बात हुई, एनी प्रोग्रेस? मुझे लगता है कि निकी को थोड़ा वक्त लगेगा हमें माफ करने में, इस घर में फिर से आने में। आई नो भाभी, निकी ना ऐसे ही है। आपको पता है बचपन में क्या करती थी? मेरा सामान ले लेती थी और खराब कर देती थी और उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करती थी। पता है, हम सब के सब एक साथ इस घर में, इस छत के नीचे कितने अच्छे थे ना वो दिन। आई मिस माई फैमिली। आई मिस हर फैमिली टू। और मेरी वजह से जो रिश्ते टूटे, मैं इन सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, आई विश कि माँ और भैया का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए। मतलब? भाभी आपको पता है आपके घर से चले जाने के बाद अगर भैया ने किसी को सबसे ज़्यादा हर्ट किया है तो वो माँ है। आप तो जानते हो ना कि माँ भैया से कितना प्यार करती हैं। माँ कभी कुछ कहेंगी नहीं, कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि अभी भी कुछ है जो बाकी रह गया है। भाभी आपको देव भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? हाय सर जी, आपसे कहे तो आपके लिए खाना लगा दें? हाँ लगा दें। थैंक यू। लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने माँ को तुम्हारे लिए खाने पे वेट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने तो यही देखा कि वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ वेट करती थी। जब भी तुम लेट आते थे वो भूखी बैठती थी जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं दिखती, और फिर तुम माँ पे इरिटेट हो जाते थे कि उन्हें वक्त पे सो जाना चाहिए। तो अब तो सो जाती है ना, टाइम पे खा भी लेती है। अच्छा है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। देव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देव, मुझे पता है कि तुमने अपने बचपन को मिस किया। हर बच्चे का अपने बचपन पे हक होता है, लेकिन तुम्हें वो जीने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिससे तुम फिर से बच्चे बन सकते हो अपने माँ के साथ। मुझे पता है कि तुमने ये सब बहुत मिस किया, और अगर तुमने इसे इतना मिस किया तो माँ ने कितना मिस किया होगा। तुम मुझसे मुँह मोड़ सकते हो, अपनी फीलिंग से नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। देव, और तुम ही सोचो, अगर सोहा किसी वजह से तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन माँ बर्दाश्त करती आई है देव, और अभी वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। अपने दुख दर्द सब कुछ छुपाकर वो तुम्हारे लिए खुश है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। जो करना है, जो कहना है, वो आज करो, आज कहो, कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम उनके बिना नहीं जी सकते तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती थी। मैंने माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत दुख दिया उसे, लेकिन उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। वो भी तो डांट सकती थी ना मुझे। अदर्स होती है ऐसे, है ना, अपने बच्चों को सिर्फ खुशियाँ देना चाहती है और बदले में उनका प्यार चाहती है और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ आओ। ठीक है, तबीयत खराब है? तू खराब है, बहुत बुरी है तू। मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया तूने, खाने के लिए मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। अभी भी सोई हुई थी। माँ, मैं तुझसे नाराज हुआ इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी नाराजगी की वजह से तू मुझसे नाराज हो जाए। मुझसे नाराज होने का हक दिया नहीं है मैंने तुझे। मेरा ख्याल रखना है तुझे। मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू और मैं तो दुनिया से अलग है ना, फिर क्या हुआ? थाली दे मुझे। कितनी लापरवाही करता है आजकल, अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं। हमेशा काम की चिंता। अरे ये घर है या सराय, किसी को मेरे बेटे की कुछ नहीं पड़ी है, भूख से कुलबुला रहा है। और तुम्हारी तो बहुत शिकायतें करूंगी मैं। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, अलग से न्योता दूं तुझे यहाँ आकर बैठने का। आया मैंने कहा यहाँ आकर बैठ। ये तेरी बीवी ये मेरा न्यूट्रिशन करेगी? अपने न्यूट्रिशन का क्या, हर वक्त काम करती रहती है। पहले दफ्तर का, फिर ऑफिस का, फिर घर में बच्चों की देखभाल, बच्चों के साथ साथ बूढ़ों की। आकर देखो, अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और जो नहीं रखेगा ना, मैं उसे नहीं दूसरे को डांटूंगी। समझ में आई मेरी बात? तू डांट, तू सजा दे, मार, मुझे घर से निकाल दे कुछ दिन के लिए। मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी सजा दे मुझे। बहुत गलतियां की हैं मैंने, डांट तो सही। कि तुम्हें सजा काटनी है ना, तुम्हें सजा दूंगी जो तुम दोनों को काटनी होगी। तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा यही है कि कल से मैं तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें देरी हो गई तो मैं भी भूखे बैठे रहूंगी। अब तू मुझसे मुंह छुपाकर अपने कमरे में नहीं जा सकता, समझ गया? बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी। अब इस घर में मेरी चलेगी। ये सजा मुझे मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। माफ कर दिया ना तूने मुझे। अरे जस्सी, उधर भी सर्विंग करना। हाँ मामी जी, आज मुझे ही सारा खिला दो। थोड़ा सा खा लेना, देख कितना स्लिमिंग हो गया है। ठीक से खाया कर। चल चल। अच्छा जस्सी, तू ये मुझे दे और बच्चों के लिए ना फ्रूट काट। चल चल, चल। खा चल अच्छे से। बस बस। मुझे पता है। क्या पता है? एक राज। कौन सा रहा मामा जी? कल तूने ईश्वरी के हाथ से खाना खाया था ना? हाँ भाई, देख बेटा, तुम दोनों का मुझे पता नहीं, लेकिन ना जाने कितने सालों से मैं इस बात को मिस कर रहा था। शायद मामा जी, जिसे इंसान सबसे अपना समझता है ना, अपना सारा गुस्सा उसी पे निकाल देता है। इतनी देर बाद वापस उसके हाथ से खाना खा के लगा ये वापस अपनी माँ से मिल गया। जस्सी, जल्दी से एक बोतल पानी ला दे बेटा। खा रहा है ना ठीक से? हाँ 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 ठीक से खाना खा। भैया एक केला दे। चल फिर चली नौकरी पे भगवान की। आप जो चाहे कहिए, ये तो बस बाहर जाने का बहाना है। और मैं घर में बैठे बैठे करूँ भी क्या? हाँ जीजी आप बिल्कुल सही कह रहे। वैसे भी घर का सारा काम तो मैं संभाल ही लेती हूँ, बस आप तो ना हैव फन कीजिए। हाँ भाभी सही कहा आपने। अब घर की जिम्मेदारियों के लिए तो आप है, सोनाक्षी है, एलिना है, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म। एक मिनट तेरा हाथ दिखा जरा, ये कौन सी घड़ी पहनी है? ओह ये वही घड़ी है ना जो देव ने तेरे लिए खरीदी थी, तेरी पसंदीदा घड़ी। लेकिन तू तो इसको बहुत संभाल के रखती, आज कैसे पहन ली भाई? वाह बुआ जी ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो वहाँ मंदिर में एक दोस्त बनी है मेरी, तो ऐसी बातों बातों में इस घड़ी की बात निकल आई, तो मैंने सोचा आज पहन लूँ। और ऐसे भी अब ना मैं ये घड़ी पहनने की आदत डालने वाली। माँ तू अपनी दोस्त को घड़ी क्यों नहीं बुला लेती? माँ आपने मन बना लिया तो फिर अब सोचना क्या, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ बाय दादी। और द बेस्ट दादी। थैंक यू। मेरे जो मंदिर से वो ऑरेंज वाला लड्डू लाना प्लीज। ले आऊंगी, दोनों के लिए ले आऊंगी। चलो निकलती हूँ। कितनी खुश है मेरी बहन। माँ मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई, पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.